क्या किया तुम लोग? भाऊ बोला था ना गुरु नारायण भिकू तेरे बीच में नहीं आएगा, भिकू तू भी गुरु नारायण के बीच में मत जा, लेकिन तूने गुरु नारायण को मार दिया। भाऊ सिर्फ अपना फायदा देख रहा है। इसका मतलब है तू भाऊ का बात को मानता ही नहीं? किसको यकीन है? तू मेरे को बता ना, गुरु उसकी बात पे यकीन करता क्या? किधर है रे तू? हाथ मिला लेता भिकू, साला साथ में दारू पिया है तुम लोग, एक ही आइटम बजा है, कहाँ गया सब कुछ? कैसे हो गया रे एकदम तेरे आंख में गुरु नारायण का काटा अंदर तक घुस गया? पुराना वक्त को याद करने का था ना मारने से पहले। पुराना वक्त की बात मत कर, पुराना वक्त पुराना हो गया बस। नासिक में उसके लिए मैं गोली खाया था, उसको बचाने के लिए याद है तेरे को अपनी पीठ में? दिखाओ क्या तेरे को अपना जख्म है? दिखाओ क्या मैं तेरे को अपना जख्म? साला इधर बैठ के मेरे से बहस कर रहा, अभी मैं इधर नहीं करता ना तो तू यही बहस गुरु नारायण के घर में बैठ के कर रहा होता मेरे बारे में, बता इसको सब। अभी इधर कोई किसी का नहीं, मैं या वो कोई एक ही रहता है, वो गया मैं है बस खलास। हेलो। हाँ विद्या। भिकू तू अपन का धंधा नहीं जानता? हाँ तू जानना समझ तो। एक गया अपन के धंधे में तो सब जाएगा। पब्लिक में पैनिक फैला हुआ है और हम हैं कि इसे अंडरवर्ल्ड की आपसी दुश्मनी कहकर टालते आ रहे हैं। नो मिस्टर शर्मा नो, मुझे इस कमिश्नर का लेट बैक एटीट्यूड कतई पसंद नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि अपने काम को सही अंजाम नहीं दे पा रहा है। आई थिंक वील हैव टू मेक सम चेंजेस। एक टोमेटो सूप। जी मैडम। तुम क्या लोगे? कुछ भी। और एक कुछ भी। अच्छा ऐसे कीजिए, सेम लाइन। जी मैडम। मैं यहाँ तुम्हारे सामने बैठी हूँ, तुम पेपर में डूबे हुए हो, कुछ बहुत इम्पोर्टेंट है क्या? तुमसे ज्यादा नहीं और ना हो सकता। सत्या हुँ? तुमने कभी बताया नहीं क्या अपने बारे में, कहाँ के हो, अपनी फैमिली के बारे में? क्या बात है सत्या? विद्या मैं तुम्हें कभी बता नहीं पाया, मैं अनाथ हूं। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया, जाने तुम क्या सोचती मेरे बारे में। इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता सत्या, मैं ऐसे ही पूछ रही थी। मैं तुमसे प्यार करती हूं सत्या, आई लव यू। नहीं मिला तेरे को, चूना भट्टी में जाकर खोल उसको और ताबड़ तोड़ बता मैं कोई कैसा। हे तू किधर था, किधर था तू साला? क्या हुआ क्या हुआ? चार दिन से साला छुट्टियों के मामले किसी को ढूंढ रहा है और हीरो पूछता है क्या हुआ, किधर था तू? क्या यार इतनी सी बात को, मैं विद्या के साथ खंडाला गया था। खंडाला गया था? हम लोग छुट्टियों के मामले किसी को खोज रहे हैं, हीरो कहां गया है? खंडाला। ए तेरे को मरने का है क्या? अरे क्या हुआ तेरे को पता है ना भाव हम सबको खोज रहा है। छोड़ यार मैं संभाल सकता हूँ अपने आप को। भाव को मैं इतने से जानता है, अगर वो चुप बैठा इसका मतलब ये नहीं कि भड़वा है, वो छोड़ देगा तेरे को। मेरी बात ध्यान से सुन, आगे बिना बताए इधर से नहीं हिलने का। क्या नहीं हिलेगा तू? अरे सुन ना, ऐसा नहीं होगा, माफ करना ठीक है? माफ करना? इधर अड़ा 50 फोन कर रहा है बाबू को भेजा कुरला की तरफ, चंद्र गया वो तेरी हमाली करने, सब तेरे नौकर बैठे हुए। छोड़ ना, गलती हो गई। अब इसे नहीं करूंगा, माफ कर दो, जाके खंडाला बैठ गया, आगे जाके दुबई बैठ। अरे गलती हो गई यार। भिकू तेरे से काम था। अभी क्या है? विद्या को एक तोहफा खरीदना है, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या खरीदूं।
ये देख सारे को, चार दिन से साला मैं घर नहीं गया, अपनी अपनी बीवी के पास नहीं गया। हीरो आता, हीरो आके क्या बोलता है मेरे को, देखो एक तोहफा खरीदे मेरी गर्लफ्रेंड के लिए। है तेरी गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, मेरी बीवी मेरी बीवी नहीं है, यही ना, मेरी प्यारी नहीं है। और तोहफा मैं क्या खरीदेगा, मैं क्या खरीदेगा, इसके लिए तोहफा लेने गया था, कंघी लेके आया था साले। नमस्ते नमस्ते भाभी जी, नमस्ते। अरे मुझे फोन किया होता तो मैं पूरी दुकान लेके आपके पास आ जाता था। आ, साथ में आखा मुंबई की पुलिस भी लेके आता तुम्हारे पीछे। नहीं नहीं नहीं, नहीं। बोलिए क्या सेवा करूँ आपकी। आ, मेरी नहीं, वो देख क्या अपना यार है सत्य। नमस्ते। इसकी गर्लफ्रेंड के लिए कोई तोहफा चाहिए क्या तेरे? हाँ जरूर जरूर, आइए आइए आइए। हाँ भाई दिखा 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 दिखा, तेरे को दिखाएगा समझ में आएगा तेरे को। क्या लेगा तू? कुछ भी, मेरे को बोला तो बोला, उसको मत बोलना, जिंदगी भर थोपड़ा नहीं देखेगी, गलत नहीं तुला? अंगूठी में नई डिजाइन आई है, दिखाऊं? दिखाए। उंगली कैसी है? अच्छी है। साइज पूछ रहा है रे? नहीं नहीं, माझा साइज ची दाखो। वो तेरा नंबर देना जरा। हाँ लो मैडम। अच्छी है ना? अच्छी है रे, ले 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 ले। कितने की? सिर्फ 1,00,000 रुपया। बहुत महंगा है। साला प्यार करता है और महंगी सस्ती की बात करता है। चल रख। नहीं मेरे पास इतने पैसे नहीं है। ए, तू रोकड़े की फिक्र क्यों करता है? मैं है ना इधर। नहीं बिल्कुल नहीं। ए, देख मैं तेरे बीच में रोकड़ा नहीं लाने का, बस। ए, पार्सल कर इसको। हाँ जरा इसको पार्सल करना। ए, सत्या। वो भी अच्छी है। मात्रे आहो, हमारी शादी को कितना साल हुआ? 12 साल का। 12 साल में तूने मेरे को कभी कुछ दिया, कोई गिफ्ट दिया, कोई तोहफा दिया? तूने लाज ना वाटत, काय विचार ना करे तू तुझे भाई को सा दिया तो है तेरे को। काय? वो दो दो चुन्नू मुन्नू। ए भिखू भाई। हाँ बोल। अपनी भी 4-5 गर्लफ्रेंड है, पैक करवा लो क्या? तेरे को शर्म नहीं आती? क्यों? काम धंधा कुछ करता नहीं है, दिन भर बैठ के बियर की बाटली तू उड़ाता है, और तेरी गर्लफ्रेंड के लिए भी गिफ्ट मैं ही खरीदे? अरे काम करने की इधर देता है तो करेगा। तू काम करेगा? हाँ। तू मेटल वाली फाइल खोलूंगा मैं तेरी। क्या मेटल? अरे मेटल स्टोर के जनरल मैनेजर से वसूली करने गए थे, चला वो उधर आए बाय करने लगा, उसके माथे पे गन रख के फोड़ा, उधर ब्लड निकला, इधर साला ये बेहोश हो गया। बाकी पूना जाना था चुन्नी भाई, इसको लेके सरकारी अस्पताल गए थे। हाँ तो तबीयत खराब थी ना? हाँ गेम के पहले से तेरी तबीयत खराब होती है। कुछ लेना गोली बोली भाई, जरा बिकू भाई का पार्सल जल्दी देना। लो मैडम। अंकल तेरे को पता है क्या कर रहे हैं हम लोग इधर? अच्छा हाँ ठीक ठीक, चल। क्या हुआ? नवा कमिश्नर आया है। किसको मारा? याद नहीं आ रहा मुझे, मैंने तो बहुत बहुत पगले, मैंने याद नहीं आ रहा। पगले कल तक तुम रोक सकते हो, समझे? हाँ कल तक रोक सकते हैं, कल के बाद। और अगर कल देवी नहीं आई तो तुम लोगों को यहाँ से जाना पड़ेगा। देवी आती है जाती नहीं है। तेरे इश्क की दीवानगी सर पे चढ़ कर बोल। हेलो देसाई, देवी आई नहीं? देसाई, तुम्हारे रुके हुए सारे काम शुरू होंगे, तुम्हारी बीबी मायके से वापस आएगी, सास बहू में झगड़े नहीं होंगे, और तुम्हारे घर लक्ष्मी भी आएगी। परदेसी, मेरी बीबी मायके से वापस आएगी? सचमुच? अरे देवी बोली ऐसा? सचमुच? अद्भुत अद्भुत। और सास बहू के झगड़े भी नहीं होंगे, लक्ष्मी भी आएगी।
जय भगवती। मेरी पत्नी और श्रीमान। बोलो जय नमो जय महादेव। आइए आप आइए आइए चलिए आइए। जय जय जय। हाँ दे रहे भाई दे रहे, सबको मिलेगा, लाइन में खड़े रहिए। टोनी अभी तो मान देवी के पावर को। क्यों ये लाइन लगा इसलिए? अबे अरे मुंबई में सुलभ शौचालय में भी लाइन लगता है समझा, और उसी में पावर होता है। चलो चलो बच्चे लोग का फोटो निकालो चलो। हाल दे रहे आपको भी दे रहे, सबको देंगे, सबको बांट रहे हैं यहाँ पर। हाँ रुक जा, ऊपर वाले लोग नीचे आएंगे तभी नीचे वाले लोग ऊपर जाएंगे। अगर किसी को जल्दी जाना है तो जल्दी दो। अरे अरे सब जगह चलता है, लाइन में सब लोग चलो। एक और लो सर। अद्भुत चमत्कार हो गया सर, साइट पर काम शुरू हो गया सर, शुरू हो गया काम सर। सब ऊपर वाले की कृपा है सर, सर सब देवी की कृपा है सर। ऐसी देवी मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी सर। जी सर, सर आप ये समझ लीजिए कि जो हमारा ड्रीम है दैट इज गॉट बी अ रियलिटी। 93 बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स सर, दैट्स गॉट बी अ रियलिटी। लिखिला पढ़ेला चार्टर्ड अकाउंटेंट, पागलों में देवियां बोल के अपने साहब को एड़ा बना रहा है। अरे सूर्या भाई सभी साधु संतों में पागलपन होता है। जलेबी में भांग की गोली डाल के खा तू भी संत बन जाएगा। हाँ वो देख एक और एड़ा। ये भी देखो ये सब लेके जा रहा हूँ, कोई चिंता नहीं करना, तुम्हारा होगा मेरा होगा आधा आधा होगा, जो भी है बिजनेस है, आधा आधा लेके जाता हूँ कोई चिंता। ये अभी मैं आधा आधा लेके जा रहा हूँ, क्या मेरा नसीब है। चलो 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 भरो 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 जल्दी भरो, आधा आधा लेके जा रहा हूँ। कोई चलो 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 ले लो ले लो। अरे आधा आधा लेके जा रहा हूँ आधा। ओ ज्यादा हो रहा है, 10% पीछे आओ रखो, चिंता नहीं करना। हाँ बस बस बस। हाँ चलो अभी इसमें का आधा तुम्हारा है आधा मेरा है, कि खाने पीने का पूरा बंदोबस्त तुम करना। हर सांस की कीमत है देवी की, नहीं तो एक बार देवी छोड़ के चली जाएगी ना ऐसा ही बुद्धू। देवी कहीं नहीं जाएगी। बराबर है, देवी जाना ही नहीं चाहिए, देवी गई तो अपना तो। देवी को शहर नहीं पता है, देवी को गाँव सब पता है, मुरा गाँव तरसा गाँव कसरा गाँव सुरती गाँव सब पता है उसको, कटहल बैर आम का बगीचा सब पता है। एक बार वो पीछे के बगीचे में चली जाए उसको खोज नहीं पाता है। एक बार महापुजारी बोले जाके उसको खोज के लेके आओ, फिर क्या हुआ? सुनो सुनो सुनो, मैं आकर देखता हूं। नदी को उधर जाके देवी को यहाँ पे छोड़ना ठीक ठीक नहीं है, वो जानती नहीं है ना। हां कल आकर ये सब देखता हूं पूरा हिसाब आधा आधा। ठीक है ठीक है, छोड़ना ठीक। मंदिर बनेगा, मंदिर बनेगा। ए, पगली तू तो बहुत बड़ी देवी बनने वाली है। सुन मतलब देसाई साहब और दरोगा जी ने कहा कि मंदिर बंद होने के बाद भक्तों से बात ना करें। क्यों? लोगों को पता चलेगा कि हम वो हैं। वो मतलब वैसे हैं। वैसे कैसे? पगला पगली वो तो है। नहीं पगली, अगर लोगों को पता चलेगा कि देवी पगला पगली के हाथों में है तो उनका विश्वास टूट जाएगा। भक्त पागलों की बात नहीं सुनेंगे, उल्टे हम पे हंसेंगे, हमारा मजाक उड़ाएंगे। हाँ ऐसा दरोगा साहब ने बोला है। झूठ बोला, और तुमने सुन लिया? पगले हो तुम। पगली का पति जो अच्छा अच्छा ये नहीं ये कितने पैसे हैं? ढेर सारे।
और भी बहुत सारे आएंगे, हम गिन भी नहीं पाएंगे। देवी का नाम पूरे शहर में फैलकर सारी दुनिया में फैलने वाला है, ऐसा दरोगा जी ने बोला है। और देसाई साहब ने कहा देवी का पूरा ध्यान रखो, क्योंकि उसके हर सांस की कीमत है। हर सांस की कीमत है मतलब? मतलब सांस लो, पैसे लो, पैसे लो, पैसे लो। मैंने कुछ नहीं किया बाबू, मेरे को मत मारो भाई। आयशे बोल अच्छा तूने नहीं किया? नहीं भाई। हाँ तो फिर किसने किया? मेरे को नहीं मारो। तू अच्छा प्रिया साले, मेरे को तू अच्छा प्रिया। बोल उदय को किसने टिप दिया था कि हम छाता वाले को टपकाने आने वाले हैं? बोल, तू चूते का खबरिया साले, तू चूते को टिप देता है, बता। बताएगा? बताऊंगा, चल बताऊंगा, बता बताऊंगा। मैं उदय को कुछ नहीं बोलता, तुम लोग खुद बोलते हो, क्योंकि मैं खुद उदय हूं, एसीपी उदय ठाकुर। हां सर, मैं उदय बोल रहा हूं। नहीं सर, ये ससुन डॉक कोलाबा में मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है सर। नहीं सर, मैं ठीक हूं सर, बस थोड़ी बहुत जख्म आई है इधर उधर। हाँ, तीन गुंडे थे, तीनों के तीनों मारे गए। एक का नाम है पकिया, फिर गिरधारी, और तीसरे का नाम है सर, तेरा नाम क्या है? जोसेफ सर। जोसेफ सर? नहीं सर, इनकाउंटर नहीं था सर। नहीं सर, हमला हुआ था मेरे ऊपर सर। साले खा पी के मोटे हुए पड़े हैं, ज्यादा लोग चाहिए होंगे सर। नहीं सर थोड़ी बहुत खरोच तो आएगी ना सर।